हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणीता। बच्चों, हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या उसे दूसरों को समझाने के लिए या वाक्य के बीच में हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम लेने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये विशेष चिन्ह ही विराम चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। विराम चिन्हों के उपयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आ जाती है। आज हम कक्षा 5 का व्याकरण का भाग विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह, आइए जानते हैं विराम चिन्हों की परिभाषा। भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, अर्थात लिखते समय वाक्यों के बीच में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों को वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या किसी के मौलिक शब्दों पर और अनेक संकेतों के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इन विराम चिन्हों का उपयोग हम वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में या किसी के अनमोल वचन पर हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो व्याकरण में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनमें से ही कुछ विराम चिन्हों का आज हम अभ्यास करेंगे। अल्पविराम, कॉमा, अर्धविराम, सेमीकोलन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन चिन्हों का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। अल्पविराम, वाक्य के बीच में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना हो तब इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है, अर्थात वाक्य के बीच में अर्ध विराम से कम समय के लिए हम रुकते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर भी किया जाता है। जैसे समान महत्व के शब्दों को अलग करने के लिए, अर्थात एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वाक्य के मध्य में किसी उपवाक्य को अलग करने के लिए, अर्थात दो वाक्यों में एक उपवाक्यों को अलग करने के लिए हम उसका अर्थात अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, शब्द विशेष पर बल देने के लिए, किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं उसके उदाहरण। माँ ने बाजार से सेब, आम, अंगूर और पपीता लाया है। दूसरा, राधा, मोहन और समीर आए हैं। यहाँ पर एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। वही जहाँ पिछले साल मिले थे, जो परिश्रमी है वही सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमने दो वाक्यों में उपवाक्य को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया है। सफाई घर की, तन की और बाहर की करनी चाहिए। दूसरा विराम चिन्ह, अर्धविराम। वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहां थोड़ा रुकना हो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने के बाद दूसरी बात शुरू होने से पहले हम अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम की अपेक्षा हम यहां पर ज्यादा देर रुकते हैं। उदाहरण, सूरज निकल गया, अंधकार न जाने कहाँ खो गया। यहाँ पर दो वाक्य हैं, पहली बात खत्म होने के बाद और दूसरी बात शुरू होने से पहले हमने अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया है। यह घड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। बच्चे आ गए हैं, भोजन न जाने कब आएगा। विद्या अनमोल धन है,
खर्च करने से बढ़ता है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। तीसरा विराम चिन्ह पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में अर्थात लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरा घर है, इस वाक्य के पूर्ण होने के बाद उसके अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। रवि मंगलवार को मंदिर जाता है। हम भारत की बेटियां सबको राह दिखाएंगी। भारतीय रेल को भारत की लौह गंगा कहा जाता है। नौकरी को छोड़कर प्रेम ने गांव में आकर खेती संभाल ली। चौथा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य के द्वारा हम किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं उस वाक्य के अंत में या वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह किसकी किताब है, यहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं वाक्य से, वाक्य के द्वारा यह किसकी किताब है, यहां पर हमने वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा है, इसलिए इसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हमने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया है। बाहर कौन खड़ा है, आपको किससे मिलना है, अभी तक क्या कर रहे हो, तुम कब आए। पांचवा विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाली वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग हम हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, घृणा, नफरत तथा विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, ये जो हमारे भाव है इनको दर्शाने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन अर्थात किसी को आवाज देनी है या आवाज लगानी हो तब इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, अरे वह गिर गया, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह सचिन का जवाब नहीं, ओ भैया जरा इधर आना, क्या यह सच है। आज हमने विराम चिन्ह और उनकी परिभाषा जानी, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये विराम चिन्हों का हमने आज अभ्यास किया। धन्यवाद।